नमस्कार दोस्तों, मैं अभिजीत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल मास्टर माइंड टेक में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारे जो गाड़ी होती है खास करके डीजल कार, उसमें कॉमन रेल फ्यूल सिस्टम या पर कॉमन रेल डीजल सिस्टम लगी होती है, इग्निशन सिस्टम लगी होती है, उसमें इंजेक्टर होता है। तो आज हम देखने वाले हैं जो कॉमन रेल इंजेक्टर है इसके अंदर क्या क्या होता है, वो काम कैसे करता है और वो एक्चुअली फायरिंग कैसे करता है, वो भी मैं आपको गाड़ी में लगा के वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगा कि ये फायरिंग कैसे करता है। इधर से जो डीजल निकलता है हाई प्रेशर से वो कैसे निकलता है ये भी दिखाने वाला हूँ। तो ये जो इंजेक्टर है ये सबसे पहले हम अंदर देखते हैं खोल के क्या क्या होता है और प्रॉब्लम कहाँ पे आते हैं। तो ये जो इंजेक्टर है ये वेंटो का है, वेंटो स्कोडा रैपिड पोलो में यही बैठता है, ठीक है। और ये पीजो इलेक्ट्रिक इंजेक्टर है, तो दो टाइप आते हैं, एक तो सोलोनाइट टाइप आता है और पीजो इलेक्ट्रिक आता है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो आज की वीडियो में पीजो इलेक्ट्रिक कैसे काम करता है देखते हैं। तो सबसे पहले हमने नीचे से ये लूज करके लिया है और इसका ये नोजल होता है, ठीक है। तो अभी हम नोजल निकालेंगे इसका और वीडियो देखते रहिए, लास्ट जो होने वाला है ना बहुत मस्त होने वाला है। तो डायरेक्टली कैसे फायर करता है वो देखना, बहुत मस्त होता है, मज़ा आता है, ठीक है। तो ये इसका नोजल है, ठीक है, और ये इसका कंट्रोल वॉल है। इसके बाद अंदर इसका एक्चुएटर होता है, उसकी स्प्रिंग है, थोड़ा जाम है इसका, ये इंजेक्टर पॉल्टी है, ठीक है, इसलिए यही जाम होता है तो प्रॉब्लम आती है, ठीक है। अभी निकालता हूँ, ये देखो ये इस तरह होता है। और ये जो इसमें वर्किंग करता है ना उसका क्लीयरेंस बहुत कम होता है, मतलब हमारे जो बाल है ना उसके 10-15 गुना कम इसका क्लीयरेंस होता है। तो आप भी सोचिए कितना कम क्लीयरेंस होगा। ये देखो ये थोड़ा अटक रहा है इसमें, ठीक है। तो अभी ये भी निकाल दिया मैंने। और ऊपर जो है ये सोलोनाइड होता है, ये सोलोनाइड होता है, ये सोलोनाइड पीजो इलेक्ट्रिक का कैसे करता है, जब इधर से करंट मिलता है इसमें पीजो मटेरियल होता है, जब करंट मिलता है ना ये थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहता है, मतलब पल्स से इसके ऊपर मारता है ये। और जैसे गेन हमारी बाउंस होती है उसी तरह ये जो अंदर के नीडल वगैरह ये बाउंस होते हैं, और इसके अंदर जो नीडल है ये देखो इसमें भी क्लीयरेंस बहुत कम होता है। ये देखो ये जैसे मार इसके ऊपर पल्स से एक मतलब ऐसा इम्पैक्ट होता है तो ये थोड़ा सा ऊपर उठता है, और इधर बहुत छोटे छोटे नीडल होते हैं, होल्स होते हैं, ठीक है, उससे जो हमारा डीजल है वो फायर करता है, ठीक है। इसमें लाइंस होती है, ये एक लाइन से जो डीजल है वो हाई प्रेशर से ये जो हमारे होल्स है छोटे छोटे उस तक जाता है, हमारे नोजल तक जाता है। इसके बाद एक जो होल है उससे रिटर्न आता है, और रिटर्न आते आते ये जो सब पार्ट्स है इसको लुब्रिकेट करता है ये हमारा जो डीजल होता है, ठीक है। यहाँ से ये देखो अंदर से होल्स आते हैं, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, वो समझाने जाऊँगा तो वीडियो भी बोरिंग हो जाएगा। और इसके अंदर एक वॉशर होता है और एक वॉल होता है। तो ये जो हमारा सोलोनाइड है ये इसके ऊपर धीरे धीरे ऐसे मारता है तब हमारा इंजेक्टर वर्क होता है, और मैं हाथ से मार के भी आपको दिखाऊंगा कैसे वर्क करता है गाड़ी में लगा के, ठीक है। तो इतना सब होता है, और ये सोलोनाइट ख़राब होता है, ये जाम होता है, या फिर ये कभी कभी जाम होता है, और ये क्या है इसमें ये घिस भी जाते हैं ऐसे, एक ये जो इसमें फ्रिक्शन हो के ये ख़राब हो जाते हैं। देखो हमने कार में इंजेक्टर एक लगा दिया है, इधर ये एक इंजेक्टर इसका निकाल दिया है, तो तीन इंजेक्टर पे गाड़ी चालू होगी और एक इंजेक्टर हमारा फायर इधर करेगा आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले इसका मैंने सोलोनाइट भी निकाल दिया है, ये देखो ये इसका सोलोनाइट है। सबसे पहले मैं विदाउट सोलोनाइट आपको दिखाऊंगा, इधर ये जो वाला है ना इसके ऊपर मैं ये रख के ऐसा मारूंगा ना तो ये फायर करेगा आप देखने का, ठीक है। तो अभी मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, ये पहले लगाता हूँ क्योंकि इसके अंदर जो पार्ट है वो गिरने नहीं चाहिए, ठीक है। अभी मैं गाड़ी चालू करता हूँ। सब्सक्राइब करें मास्टरमाइंड टेक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे ऑटोमोबाइल से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ये देखो हमारी गाड़ी अभी चालू है और मैं इसका सोलोनाइट अब निकाल देता हूँ। ये देखो ये सोलोनाइट मैंने निकाल दिया, और सोलोनाइट पर कुछ रखता हूँ ना तो इधर इसके पल्स है ये मुझे महसूस हो रहे हैं, ठीक है। तो अभी इस पर मैंने ये रख दिया और मैं थोड़ा थोड़ा इस पर मारूंगा ना तो आगे से देखना ये फायर करेगा।
देखो ये जो सोलो नाइट है ना हमारा, ये भी ऐसा ही काम करता है। इस पे ऊपर पल्स से मारने का, जैसे हमारा पिस्टन टीडीसी पे हो तो क्या है, इसी इसके सिग्नल देता है एक्टिवेट होने के लिए, और ये एक्टिवेट होता है और पल्स देता है। ये देखो, ये इधर मैं कुछ रखता हूँ ना, तो आप देखिए, ये देखो, ये इस पे ऊपर मारता है। मैं हाथ में महसूस कर सकता हूँ, लेकिन आपको कैमरा में ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अभी हम सोलो नाइट लगा देते हैं और आपको एकदम प्रॉपरली समझ में आएगा कि कैसे ये फायर करता है। देखो, ये इंजेक्टर मैंने उल्टा लगा दिया ताकि आपको कैमरा में प्रॉपरली देखे कैसे ये फायर करता है। ठीक है, जो इंजेक्टर का इनलेट होता है, ये यहाँ से डीजल हमारा जाता है हाई प्रेशर से। ये जो हाई प्रेशर पंप है, हाई प्रेशर से 1200 से 2000 बार तक इसका प्रेशर रहता है, और इधर से ये जो नोजल्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं, उससे हमारे सिलेंडर में ये फायर करता है, और 70 से 80% ये फायर करता है सिलेंडर में, और जो बाकी है वो जो है वो बाकी जो पार्ट्स है उसको लुब्रिकेट करके इधर से आता है, और इधर हमारा रिटर्न पाइप जुड़ा होता है। ये रिटर्न पाइप जाता है हमारे एयर फिल्टर में या किसी गाड़ी के टैंक में जाता है, और वो रीयूज़ होता है। ठीक है, अब मैंने ये लगा दिया है और अभी आपको गाड़ी चालू करके दिखाता हूँ। ये जो पीजो इलेक्ट्रिक इंजेक्टर है, ये 5 बायर फायर करता है, एक मेन और जो बाकी होता है प्री और पोस्ट इंजेक्शन होता है, और जो हमारा सोलो नाइट होता है, हमारे स्विफ्ट में लगा होता है, विस्टा में लगा होता है, जो बॉश का वगैरह होता है, तो वो क्या करता है, वो 3 बार फायर करता है। इसलिए ये पीजो इलेक्ट्रिक अच्छा है। और ये 5 बार क्यों फायर करता है, इसमें क्या है, ये जो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक नहीं लगा होता है, ये जो पीजो मटेरियल होता है, पीजो मटेरियल क्या है, जब इसको आप करंट दोगे ना तो उसकी साइज़ बढ़ जाती है। आपने देखा ना, वो जैसे करंट देता हो तो वो ऊपर जाता है, उसके साइड बढ़ जाती है, और अगर आप उसको मारोगे तो वो करंट जनरेट करता है। जो हमारा इलेक्ट्रिक लाइटर है, गैस का लाइटर वगैरह जो है ना, उसमें पीजो मटेरियल लगा होता है। पीजो से मटेरियल है, उसकी खासियत यही है कि उसको आप कंप्रेस करोगे, उस पर कुछ मारोगे तो वो करंट जनरेट करेगा, और उसको करंट दोगे तो हमारी अपनी साइज़ है वो चेंज करेगा। और ये जो पीजो इलेक्ट्रिक है, ये हमारे जो सोलोनाइट इंजेक्टर है, उससे 5 गुना ज़्यादा इफिशेंट होता है। मतलब जैसे आप वोल्टेज दोगे तुरंत वो अपनी साइज ज़्यादा करता है और इसको कमांड देता है। ठीक है, तो यही है, अभी मैं गाड़ी चालू करता हूँ और ये जो नज़ारा है ये देखने वाला है। ठीक है, देखो जैसे ही गाड़ी चालू करेगा ये फायर करना स्टार्ट कर देगा। ये देखो कैसे फायर करता है। ठीक है, मैं थोड़ा नज़दीक से आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये कुछ इस तरह, ये जो डीजल है ये फायर करता है। ये 5 बार कर रहा है, लेकिन क्या है, कैमरा में इतना फास्ट कर रहा है ना, हम देख नहीं सकते। ये देखो कैसे कर रहा है। और अभी मैं गाड़ी रेस करता हूँ, इसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। देखो, जो हमारा इंजेक्टर है ये फायर करता है कार के सिलेंडर के अंदर। और ये जो नज़ारा है ना, बहुत मस्त लगता है, देखने लायक होता है नज़ारा। ये देखो होल से कैसा फायर कर रहा है, और एक टाइमिंग होता है उसका, उसी टाइमिंग पे ये फायर करता है। और ये जो डीजल है, ये बहुत प्रेशर है इसका, इससे क्या है हमारा कंबशन होता है, मतलब इसमें एक आग लगती है या फिर स्पोर्ट होता है कह सकते हैं, और पिस्टन नीचे जाता है। और ये देखो, ये रिटर्न लाइन, ये यहाँ से हमारा जो डीजल है, ये जो बचा हुआ डीजल है, ये रिटर्न आ रहा है। तो आशा करता हूँ ये जो वीडियो है, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और आपको भी पता चल गया होगा कि जो CRDI का हमारा इंजेक्टर है ये कैसे काम करता है। तो मैंने इतना डीप में नहीं बताया, लेकिन आपको सिर्फ आइडिया देना इतना ही मत सकता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ ये वीडियो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और आप नए हो, आपने हमारे चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही नए नए वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। ये वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।